नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन। भाजपा की टिकट पर ब्लॉक प्रमुख बनी रजनी सिरोही के जेठ ने घोड़े पर सवार होकर मनाया जीत का जश्न। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। गांव में घोड़े पर बैठकर विजय जुलूस निकालता दिख रहा है भाजपा ब्लॉक प्रमुख का जेठ। घोड़े पर सवार ब्लॉक प्रमुख का जेठ हाथों में मेरी फायर राइफल भी थामे दिख रहा है। बुलंदशहर के बेबीनगर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है रजनी सिरोही। नरसिंहानंद सरस्वती की ट्वीट ने उड़ाई बुलंदशहर पुलिस की नींद। देखिए प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की ट्वीट ने उड़ाई बुलंदशहर पुलिस की नींद। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ट्वीट कर बताया कि बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में मेरी हत्या करने तीन लोगों को रामघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर और तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उन लोगों का स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करने को लेकर कोई मामला नहीं है। यह लोग रास्ता भटकने के कारण उस रूट पर पहुंच रहे थे जहां महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। प्रारंभिक जांच में इनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है और लोगों का गाड़ी सेल परचेजिंग और बैटरी का काम है। यह तीन लोग मुरादाबाद से बेंगलोर जा रहे थे। यह तीनों लोग बेंगलोर के ही रहने वाले हैं। एक कार पंजाब नंबर PB08EM9898 सवार तीन युवक चेकिंग के दौरान रामघाट थाना क्षेत्र के में पकड़े गए, लेकिन अब तक इनका यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम में कोई संबंध नहीं पाया गया है। अभी तक की जांच और छानबीन में उक्त युवक मुरादाबाद में पुरानी कार एवं UPS बैटरी का काम करते हैं तथा बेंगलोर के रहने वाले हैं। उक्त युवक मुरादाबाद से आ रहे थे और इनका बताना यह है कि हम अलीगढ़ आगरा होते हुए बेंगलोर जा रहे थे तथा रास्ता भटककर थाना रामघाट के क्षेत्र में आ गए जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम चल रहा था। युवकों के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री नहीं मिली है एवं गतिविधि और संदिग्धता के संबंध में कोई तथ्य और साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए हैं। फिर भी गहनतापूर्वक जाँच की जा रही है। विकलांग के साथ दबंगों ने दुकान पर जाकर की मारपीट। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर क्षेत्र के कोतवाली सिकंदराबाद के गांव भटपुरा में विकलांग के साथ दबंगों ने दुकान पर जाकर मारपीट कर दी। पीड़ित ने बताया कि वह अपने पशुओं के साथ घर जा रहा था। पशुओं के गली में निकलने को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में दिव्यांग युवक कोतवाली सिकंदराबाद पहुंचा और कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है और घायल को सिकंदराबाद के CHC अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। सुभाष, कैसे चोट लगी है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मैं दुकान पर काम कर रहा था जी, दुकान है। कौन है? नीरज नाम। अच्छा, तो क्या चाहिए मारी आपके पैर पर? कोतवाली में आप एप्लीकेशन दे दिया आपने? राजाराम हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर किया खुलासा। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। महिला से अवैध संबंध के चलते की गई थी राजाराम की हत्या। मोहित उर्फ भूरा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। मृतक और आरोपी के एक ही महिला से थे अवैध संबंध। महिला से फकत अकेले संबंध रखना चाहता था आरोपी। घटना के वक्त मृतक और हत्यारों ने साथ बैठकर छलकाए थे जाम, फिर ईंट से कुचलकर की गई हत्या। पुलिस ने घटना का नामजद मुख्य आरोपी किया गिरफ्तार। दो फरार आरोपियों को पुलिस अब भी कर रही है तलाश। सिकंदराबाद में कल हुई थी हत्या, आज सिकंदराबाद पुलिस ने किया खुलासा। राजा नाम आपका? मोहित, जो कल आपने हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या कारण थे? ये जी लगे थे, वो लेडीज से लग रही थी, वो जिस समय मेरी बात थी वो उनसे लग रहे थे और जी जो पी रहे थे हम थे, तो उन्होंने थोड़ी सी गाली मुख्तार रख दी थी। मेरे साथ के जो बंदे हैं उन्होंने गुस्से में रख दिया। किस चीज़ से मारा था? वो गले में अंगोछा डाला था और एक ने मुंह पे ईंट मारी थी। मैम, एक कल हत्याकांड हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक जांच में क्या निकल गया? कल थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड पर एक अज्ञात शख्स बरामद हुआ था जिसके सर पे चोट पाई गई थी।
सिकंदराबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले शव की शिनाख्त की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे खत्तीवाड़ा क्षेत्र के राजा राम जी हैं जिनकी हत्या हुई है, और उनके पुत्र के द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त भूरा उर्फ मोहित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आज। जो उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए ये बताया गया है कि 12 तारीख की रात्रि में करीब 11:30 बजे मृतक और मोहित उर्फ भूरा तथा उसके दो और साथी फुलखान और जैद, ये चार लोगों ने शराब का सेवन किया और वहाँ पर अभियुक्त का और मृतक का एक क्षेत्र में ही रहने वाली महिला को लेकर विवाद हुआ, उसमें इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद इन लोगों ने उनका पीट पत्थर से सर कुचल के उनकी हत्या कर दी। मैम, इसमें कोई महिला की भी संदिग्ध भूमिका रही है? इसके संबंध में भी जांच की जा रही है कि उसका क्या रोल है, पर उसको लेकर ही विवाद इनके बीच में हुई थी, कहासुनी हुई थी। मृतक और अभियुक्त पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं और अभियुक्त द्वारा यही बताया गया उसी विवाद में गुस्से में आकर इन सारे लोगों ने उनकी सर पे ईंट मार कर हत्या कर दी। मैडम, 1.5 लाख रुपए भी बताया गया था, कल उनके परिजन बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए इसकी जेब में था। ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है, अगर ऐसे कोई तथ्य होगा तो उसकी भी जाँच की जाएगी। तीन लोग शामिल हैं। नहीं, धनराशि वगैरह कोई बरामद नहीं। निपटैक ग्लोबल चीट फंड कंपनी के मालिक घोटालेबाज अशोक चौहान पर योगी की पुलिस का डंडा। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस ने बुलंदशहर पहुंचकर चीट फंड के धंधेबाज अशोक चौहान के घर की कुर्की की। अशोक चौहान ने रकम दोगुना करने का लालच देकर किया था करोड़ों रुपए का घोटाला। हापुड़ की थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। बुलंदशहर में नरसेना के ठगी के शिकार लोगों ने दर्ज कराई थी अशोक चौहान के खिलाफ FIR। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।